हेलो एवरीवन, आज हम लोग पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट का सेकेंड पार्ट है। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट का जो भी उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, उसके जो भी ग्राउंड हैं, वो हम अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड को ही कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसा थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपके साथ एक संविदा की, मैंने आपको कुछ करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए वचन दिया, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई, अब जिसके कारण मैं अपने वचन का पालन कर ही नहीं सकता। मेरा मन है करने का, लेकिन मैं परिस्थितियों से विवश हूँ, मैं कर ही नहीं सकता उस कार्य को। अब वो कार्य ही असंभव हो गया, अब वो कार्य असंभव हो गया, तो अब मैं उसे कैसे करूँ। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, असंभवता का सिद्धांत। तो इसके कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इसमें सबसे पहला ग्राउंड आता है सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो जाना, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का विनाश हो जाना। अब विषय वस्तु का विनाश से मतलब है, आसान भाषा में शब्द, जैसे कि जो विषय वस्तु हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट हुआ है, तो वो एग्रीमेंट जिस विषय वस्तु पर बेस्ड है, अब वो विषय वस्तु ही नहीं रही। इसको एक केस से समझते हैं, टेलर वर्सेस कार्डवेल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके फैक्ट में आज आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सपोज दैट मैं एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, एक म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी जगह नहीं है कि मैं अपनी म्यूजिक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करूं। बाद में मुझे पता चलता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। मैंने आपसे एक संविदा की कि आप मुझे एक दिन के लिए अपना गेस्ट हाउस दे दीजिए और मैं उस गेस्ट हाउस में अपना जो म्यूजिक सेरेमनी है उसे ऑर्गेनाइज कर लूँ। आपने कहा ठीक है, और हमारे और आपके पास संविदा हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा तो एक दिन का किराया होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेच किस पर था, आपके गेस्ट हाउस पर। अब जिस दिन मुझे म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी थी, संगीत समारोह का आयोजन करना था, उसी दिन आपके गेस्ट हाउस में आग लग जाती है, आपका गेस्ट हाउस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जल जाता है। अब मैंने तो सबको बता दिया था, मैंने काफ़ी तैयारियां कर रखी थी, सभी लोगों को बुला रखा था, मैंने काफ़ी खर्चा कर रखा था। अब जब आपका गेस्ट हाउस जल गया तो मुझे तो काफ़ी नुकसान होगा। तो अब मैं उस प्रतिकर को पाने के लिए आपके अगेंस्ट केस लाता हूँ, लेकिन कोर्ट मना कर देता है। कोर्ट कहता है कि मैं आपसे रिकवर करने के लिए मैं आपसे मेरी हानि को वसूल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने कहा, कोर्ट कहता है कि ये जो संविदा हुई थी वो गेस्ट हाउस पर बेस्ड थी, यानी कि इस संविदा का जो सब्जेक्ट मैटर था वो था गेस्ट हाउस। अब जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो फिर आपको अपने वचन का पालन करने के लिए दायी क्यों ठहराया जाए, यानी कि आप अपने वचन से उन्मुक्त हो गए, अब आपको अपने वचन का पालन नहीं करना होगा। तो यह सबसे पहला ग्राउंड है कि जब सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रक्शन हो जाए, वही विनाश हो जाए, खत्म हो जाए, तो संविदा शून्य हो जाती है, आपको अपने वचन का पालन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसका सेकेंड ग्राउंड क्या है, उसे डिस्कस कर। सेकेंड ग्राउंड होता है परिस्थितियों में परिवर्तन। परिस्थितियों में परिवर्तन, इसको ऐसा समझ लीजिए सिंपल वे में, सपोज मैं आपको एक संविदा करता हूँ, आपके साथ एक संविदा करता हूँ, एक प्रॉमिस देता हूँ आपको कि हम लोग संडे को एक पिक्चर देखने चलेंगे। आपने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगा, और आपकी उस दिन जरूरी मीटिंग थी, आपने वो मिस कर दी। अब हुआ क्या, संडे को जब तक पिक्चर देखने का टाइम आता तब तक लॉकडाउन,
लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। अब मैं चाहते हुए भी अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे बेहद पड़ेंगे। तो यहां पर परिस्थितियां ऐसी चेंज हो गई कि अब मैं अपने वचन का पालन कर ही नहीं सकता। तो यहां पर यह संविधा भी शून्य हो जाएगी। तो जो सेकेंड ग्राउंड है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, असंभवता के सिद्धांत का, वो है परिस्थितियों में बदलाव हो जाना, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाना, चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, उसमें बदलाव हो जाता है तो संविधा शून्य हो जाती है। इसका जो तीसरा ग्राउंड है वो कहता है, वो है अपेक्षित घटना का घटित ना होना। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी में केस कल मैंने आपको बताया था, क्रेल वर्सेस हेनरी, नहीं सॉरी, कल मैंने आपको ये केस नहीं बताया था, क्रेल वर्सेस हेनरी का केस बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अपेक्षित घटना, अपेक्षित घटना का मतलब होता है कि वो तो 95% 100% होगी, वो तो जरूर घटित होगी, लेकिन अपेक्षित घटना भी नहीं घटित होती है, कुछ ऐसा चेंजेस हो जाता है। सपोज एक बहुत बड़े राजा अपना जुलूस निकालने वाले हैं और वो जिस जुलूस को, वो अपने जुलूस को जिस सड़क से निकालने वाले हैं वो सड़क पर ही आपका मकान है, तो और मैं उनसे राजा का जुलूस जो है वो देखना चाहता हूं, तो मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि आप अपने ऊपर वाला रूम मुझे दे दीजिए ताकि मैं राजा का जुलूस देख सकूं, उनकी कुछ पिक्चर्स ले सकूं, उनका वीडियो बना सकूं, और मैंने 2 दिन के लिए आपका रूम किराए पर ले लिया। लेकिन हुआ क्या, 1 दिन का किराया तो मैंने आपको दे दिया। अब जिन राजा का जुलूस निकलने वाला था वो राजा बीमार हो गया। अब देखिए ये 100% वो उस दिन जुलूस निकालते, लेकिन यहाँ पे अपेक्षित घटना घटित ही नहीं हो रही। अब जब राजा बीमार हो गए तो जुलूस निकलना कैंसिल हो गया, तो अब मेरा क्या फायदा इसमें, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, संविधा तो व्यर्थ हो जाएगी। संविधा जिस उद्देश्य के लिए लिए थी वो उद्देश्य ही विफल हो गया, व्यर्थ हो गया। तो मैंने उस दिन का किराया आपको नहीं दिया। अब आप उस दिन का किराया पाने के लिए मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाते हैं तो आपको कोर्ट मना कर देगी और कहती है कि यहाँ पे जो संविधा का उद्देश्य था वही पूरा नहीं हुआ, वही विफल हो गया, तो आपको उस दिन का किराया देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, बाउंड नहीं हूं, और आप मुझसे उस 1 दिन का किराया वसूल नहीं कर सकते। तो ये इसका तीसरा ग्राउंड है कि अपेक्षित घटना का घटित न होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। तो इसका चौथा ग्राउंड क्या है उसे डिस्कस करते हैं। इसका चौथा ग्राउंड है पक्षकार की अयोग्यता या पक्षकार की मृत्यु हो जाना, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपके बेयर एक्ट में भी इसका एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। इसका एक केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन, और इस केस के फैक्ट क्या थे वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। सपोज दैट मैं एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं और मैं किसी अच्छे सिंगर को बुलाना चाहता हूँ, म्यूजिशियन को बुलाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि आपकी वाइफ वो बहुत अच्छी सिंगर है, तो मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक संविदा की कि आप प्लीज मेरे फंक्शन में अपना सिंगर प्रोग्राम, अपना सिंगिंग प्रोग्राम चलाएं और एक प्ले उसमें कुछ भी मतलब अपना सिंगिंग करें, और ताकि मेरा जो फंक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें जिससे मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन होता क्या है आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैंने और किसी सिंगर को बुलाया ही नहीं। फिर क्या हुआ,
अब उसी दिन जिस दिन वो फंक्शन करना था, आपकी वाइफ बीमार हो गई। अब वो ये चाहते हुए भी कि वो सिंगिंग करें, लेकिन फिर भी वो सिंगिंग नहीं कर पाएंगे। और इसमें मुझे तो काफी सारा नुकसान हो गया, मैंने और किसी सिंगर को बुलाया नहीं। तो मैंने आपके अगेंस्ट एक केस फाइल किया और ये दावा किया है कि जो भी मुझे नुकसानी हुई है वो सारी की सारी आपसे दिलाई जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि आपको कोई भी नुकसानी नहीं मिलेगी और आप अपने वचन से उन्मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर पक्षकार अयोग्य हो गया, अगर वो चाहे फिर भी वो अपने वचन का पालन नहीं कर सकता। तो आप अपने वचन के पालन से उन्मुक्त हो गए, आपको मुझे जो भी प्रतिकर देना, सॉरी देना ही नहीं था, जो भी नुकसानी मुझे हुई है वो प्रतिकर आप मुझे नहीं देंगे। तो ये इसका चौथा ग्राउंड हो गया। और इसका पांचवा ग्राउंड है सरकारी तथा वैधानिक हस्तक्षेप, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर इंटरवेंशन। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट ग्राउंड है और ये ग्राउंड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड एक इंडियन केस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखिए केस का नाम है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगर एंड कंपनी। इसमें हुआ क्या था, हुआ क्या था, एक कंपनी, सपोज हम आपको सिंपल वे में बताते हैं, सपोज दैट आपके पास बहुत सारी जमीन है और आप उस जमीन को डेवलप करके वहां पे मकान बनवाकर लोगों को प्लॉट देना चाहते हैं, या मकान बनवा कर देना चाहते हैं या प्लॉट ही देना चाहते हैं। तो आपने वहां पर रोड बनवाई या फिर नालियां बनवानी थी आपको, ताकि आपके प्लॉट अच्छे बिकें। और मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी इस जमीन पर एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, और आप राजी हो गए। तो मैंने उस प्लॉट का एडवांस भी आपको दे दिया, लेकिन जो प्लॉट मिलना था वो उस जमीन के डेवलपमेंट होने के बाद मिलना था, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पे रोड बनवा दूं, नालियां बनवा दूं, उसके बाद में मैं आपको ये प्लॉट दे दूंगा और तब आप मुझे जो भी पूरी की पूरी रकम दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कालांतर में हुआ क्या, कालांतर में हुआ गवर्नमेंट ने वो जमीन अपने कब्जे में कर ली। और जब वो जमीन अपने कब्जे में कर ली तो वहां पे जो आप डेवलपमेंट कराने वाले थे उसमें काफी नुकसानी हुई, हालांकि वो कुछ ही समय के लिए था, अस्थायी था, टेम्पोररी था। तो टेम्पोररी होने के बाद जब वो कब्जे से हटी, सरकार के कब्जे से जब वो जमीन हटी, तो मैंने फिर से आपसे कहा कि अब आपको प्लॉट मुझे दे दीजिए, लेकिन अब आपने वो प्लॉट देने से मुझे मना कर दिया। तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में गया, केस फाइल किया आपके अगेंस्ट। तो आपने ये तर्क उठाया कि सरकारी हस्तक्षेप हो गया था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन था, इस कारण अब मैं ये जमीन, ये प्लॉट आपको, मतलब मुझे देने से मना कर रहा हूं। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना व्यू दिया था और उसमें कोर्ट ने कहा कि जो इंटरवेंशन होता है वो दो तरीके का है, अस्थाई और स्थाई। और यहाँ पे जो इंटरवेंशन था वो स्थाई था, वो सॉरी अस्थाई था, टेम्पोररी था, यानी कि कुछ समय के लिए ही इंटरवेंशन था, इससे कोई नुकसानी आप दोनों को नहीं हुई। हाँ, अगर इंटरवेंशन काफी लंबे टाइम के लिए होता और लंबे टाइम के लिए होने के कारण संविदा के नेचर में ही बदलाव हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट में नेचर में ही बदलाव हो जाता, तो आप ये प्लॉट देने से मना कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ,
और तो और आपकी जमीन में भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अब आप प्लॉट इसे देने से मना नहीं कर सकते। तो ये केस इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो इंटरवेंशन बोले बताए गए हैं, एक स्थाई और अस्थाई। और इस केस में अस्थाई यानी कि टेम्पोररी इंटरवेंशन था, थोड़े समय के लिए। अगर लंबे समय के लिए इंटरवेंशन होता तो शायद आप मुझे जमीन देने से मना कर सकते थे और कोर्ट को भी ये बात मानी होती। तो ये इसका पांचवा ग्राउंड है डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, असंभवता के सिद्धांत का। और इसका जो छठा ग्राउंड आता है वो है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या युद्ध का हस्तक्षेप या युद्ध का यानी कि इंटरवेंशन ऑफ वॉर। अब युद्ध का हस्तक्षेप हो गया इसमें, इसमें एक बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट आप किसी विदेशी विदेश से रहने वाले हैं और मैं यहाँ से, और आप मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मेरा विदेश में जो सामान है वो आप विदेशी बंदरगाह पर भरेंगे और वापस लाएंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने मेरे कंट्री के अगेंस्ट युद्ध डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप अपने वचन का पालन नहीं कर सकते, अब आपको आपके वचन से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मैं आपके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं ला सकता। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 6 ग्राउंड हैं और बेहद सिंपल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं इससे भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।